बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया YouTube चैनल। बिहार विश्वविद्यालय ने 17 से 20 के पार्ट 3 के छात्रों के लिए एक नोटिफिकेशन जारी की थी आज से लगभग 3 दिन पहले कि प्रैक्टिकल की परीक्षा जो होगी पार्ट 3 वालों का वह नहीं लिया जाएगा। कॉलेज बच्चे के पिछले परफॉर्मेंस पार्ट 1 में आए प्रैक्टिकल में जितने नंबर्स वो और पार्ट 2 में आए प्रैक्टिकल में जितने नंबर्स है उसको विश्वविद्यालय तक पहुंचाएगी और विश्वविद्यालय उसी के आधार पर पार्ट 3 के छात्रों को प्रैक्टिकल का नंबर देगा या कॉलेज खुद ये डिसाइड कर ले कि उनके पार्ट 1 में कितने नंबर्स आए हैं प्रैक्टिकल में और पार्ट 2 में कितने नंबर्स आए हैं प्रैक्टिकल में। उसके बाद से एक एवरेज रेशियो निकाल करके छात्र के प्रैक्टिकल के नंबर विश्वविद्यालय में भेजेंगे ताकि फाइनल रिजल्ट आने में कोई दिक्कत ना हो और प्रैक्टिकल के नंबर्स वहां पर जुड़ जाए। लेकिन फ्रेंड्स आपको पता है विश्वविद्यालय ने तो नोटिफिकेशन जारी कर दी लेकिन कुछ कॉलेज ऐसे हैं बिहार विश्वविद्यालय के अंदर जो प्राइवेट है पूरी तरह से। आपने प्रैक्टिकल की परीक्षा फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर हो दी होगी तो कुछ लेन देन की बात जरूर हुई होगी। ऐसा नहीं हो सकता है आपके गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन है तो हो सकता है कि आपसे लेन देन की बात ना की गई हो लेकिन प्राइवेट कॉलेज वालों ने ये किया था और करते भी है। साथ में आपसे एक कॉपी भी तैयार करके पूरी तरह से मांगी जाती है। तो इस वीडियो में बताना ये ज़रूरी है कि कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी के मना करने के बावजूद भी प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए रूटीन जारी कर दी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं नीतीश कुमार स्मारक महाविद्यालय ये वैशाली में है। इन्होंने आप देख पा रहे हैं किस तरह से छुट्टियों के दिन में भी एक नोटिस निकाली है। आप देख पा रहे हैं कि 17 से 20 के TDC पार्ट 3 के छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि प्रायोगिक परीक्षा निम्न प्रकार है। ज्योग्राफी होम साइंस साइकोलॉजी और म्यूजिक वालों को इन्होंने 15 नवंबर को बुलाया है। वहीं फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी और जूलॉजी वालों को इन्होंने बुलाया है पूरी तरह से। आप देख पा रहे हैं 16 तारीख को। तो यदि आपके भी अनर्स में प्रैक्टिकल है तो यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा है कि TDC पार्ट 2 का एडमिट कार्ड लेकर के आपको आना है। प्रायोगिक कॉपी अवश्य रूप से लाए। उसके बाद से प्रायोगिक परीक्षा का समय 10:30 से इन्होंने बताया है। उसके बाद से यहाँ पर एक और चीज़ कही गई है कि सभी छात्र छात्राओं को अनियमित समय पर या नियमित जो टाइम फिक्स किया गया है उस पर उपस्थित होना अनिवार्य है 10:30 आप देख पा रहे हैं। उसके बाद से आप नीचे देखेंगे तो विश्वविद्यालय का यहाँ पर मोहर भी पूरी तरह से आपके सामने है और नोटिफिकेशन उन्होंने 13 तारीख को ही जारी कर दी थी लेकिन छुट्टियों के कारण नहीं पहुँच पाया था। तो यदि आपके भी अनर्स में प्रैक्टिकल है तो आप 20 तारीख से पहले आप अपने कॉलेज में जाए और कॉलेज जो भी कहती है डिमांड करती है तो आपको खैर पे तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद से कॉपी वगैरह के चार्जेस करते हैं। विश्वविद्यालय ने सिर्फ ये कहा था कि आपको एग्ज़ाम नहीं लेना है लेकिन कॉलेज यदि डिमांड करती है कॉपीज़ की और प्राइवेट कॉलेज है तो कुछ लेन देन की तो आपको देना होगा क्योंकि प्रैक्टिकल के नंबर जो होते हैं वो कॉलेज के ऊपर ही डिपेंड करता है। यदि कॉलेज अब्सेंट कर देती है तो यूनिवर्सिटी उसको अब्सेंट ही मानेगी। कॉलेज प्रेजेंट करती है तो यूनिवर्सिटी प्रेजेंट मानेगी। तो आप 20 तारीख से पहले अपने कॉलेज में जाकर के कांटेक्ट करें या विजिट करें और जो भी हो प्रैक्टिकल की जो भी फॉर्मेलिटी होती है आप उससे गुजर जाए और अपनी उपस्थिति कॉलेज में जरूर जाहिर कर दे वरना कॉलेज वाले अब्सेंट करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आप लोग अपने कॉलेज में 20 तारीख से पहले विजिट ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।